आज मेरे पास है ये एक बड़ा सा डिब्बा। तो इस डिब्बे के अंदर दोस्तों वही छोटी छोटी डिब्बियां हैं जो हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर यूज की थी, यानी कि पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट की पूरी 10 डिब्बी है। आज इसके साथ फिर से हम एक मजेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें चाहिएंगे 2 गिलास, जो ये मेरे पास खाली कांच के 2 गिलास हैं। 1 गिलास में दोस्तों हम डालेंगे दूध और 1 गिलास में डालेंगे पानी और देखेंगे दोनों के साथ हमारी पोटासियम परमैंगनेट जो है वो कैसा रिएक्शन करती है गाइस। तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं इन गिलासों में पानी और दूध डाल लेता हूँ। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे इस गिलास के अंदर है पानी, जो मैं इस 1 गिलास में दोस्तों पानी डाल देता हूँ। ये देखिए इतना सा पानी काफी है। और गाइस दूसरे गिलास के अंदर मैं डालूंगा दूध। तो इस गिलास में गाइस मेरे पास दूध, तो मैं दूध इसके अंदर डाल दूंगा। इतना दूध भी काफी है यार। अभी इन दोनों को हम करते हैं साइड में। तो गाइस यार मैंने अभी दोनों गिलासों में अलग अलग चीजें डाल ली है। इस गिलास के अंदर दोस्तों नॉर्मल वाटर है जो हम पीने में यूज करते हैं, और इस गिलास के अंदर देसी गाय का दूध है दोस्तों। कोई बाजार से या पैकेट वाला दूध नहीं लिया हुआ, ना कोई पाउडर से बनाया दूध है। जो हम घर पे यूज करते हैं, हमारे घर में जो देसी गाय होती है उस गाय का ही दूध है। कच्चा दूध है, ये गर्म किया हुआ नहीं है गाइस। इन दोनों के साथ हम देखने वाले हैं कि पोटासियम परमैंगनेट क्या कुछ अपना कर्तव्य दिखाती है यार। क्योंकि गाइस यार हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने टूथपेस्ट के अंदर जब पोटासियम परमैंगनेट को डाला तो यार कुछ ज्वालामुखी की तरह फटकर बाहर आया और काफी ज्यादा हॉट भी था। और आज से समथिंग 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने शैम्पू के अंदर इस पोटासियम परमैंगनेट को मिक्स किया था, तो उसमें भी लगभग यही हाल हुआ था भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि शैम्पू के अंदर दोस्तों कोई केमिकल हो सकता है, क्योंकि वो फैक्ट्रियों में कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और ये जो टूथपेस्ट होती है वो भी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या आइटम होती है, तो उसमें भी कोई ना कोई केमिकल हो सकता है जो हमारे पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता हो, जिसकी वजह से गाइस दोनों के दोनों को जब हम पोटासियम परमैंगनेट के साथ मिक्स करते हैं तो इनमें कुछ गजब का रिएक्शन देखने में मिलता है, कि उसमें से कुछ झागनुमा आइटम बनती है और काफी ज्यादा हॉट होती है गाइस। बट ये जो दूध है, दूध किसी फैक्ट्री से नहीं बनता है, नॉर्मल है, अपने घर पर ही तैयार होता है और गायों से हम निकालते हैं, पीने में यूज होता है। कोई ये नहीं कि बासम बनाकर लाए हैं या कोई केमिकल वाला या पाउडर वाला, वैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मिल्क है और नॉर्मल दोस्तों वाटर है। तो इन दोनों के साथ हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। जल्दी से मैं इस डिब्बे को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए ये हमारी पैकिंग खुल गई है, और खुलने के बाद दोस्तों पूरी की पूरी 12 डब्बियाँ दोस्तों अभी हम इन्हें खोलेंगे। यार ये जो पुड़िया है, ये पुड़िया हम पहले बाहर निकाल लेते हैं लगभग 4-5 डिब्बियों की। ये देखिए गाइस हमारी चारों के चारों पुड़िया कट चुकी है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे हम पानी के अंदर पोटासियम परमैंगनेट को डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है गाइस। तो गाइस यार ये देखिए अभी कुछ ही मैंने डाले हैं, 4-5 कण इसमें गए हैं। तो ये अगर मिक्स होती है तो हमारे जो पानी का कलर है दोस्तों वो कुछ पर्पल कलर में बदल जाता है। देखिए गाइस कलर काफी ज्यादा शानदार है इसका, पर्पल कलर है, कितना ज्यादा दिखने में भी बहुत अच्छा कलर है दोस्तों। अभी हम डालेंगे इसके अंदर पूरी पूरी पुड़ी, और देखेंगे सारी पुड़ी डालने के बाद भी हमारा जो पोटासियम परमैंगनेट है वो पानी में जाने से क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए पूरी की पूरी पुड़िया मैंने इसके अंदर कर दिया खाली, और अभी अगर इसे मिक्स करते हैं तो आप देखोगे कि इसका कलर काफी ज्यादा डार्क हो चुका है। दिखने में ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ब्लैक कलर हो, बट की ब्लैक कलर नहीं गाइस, ये है पर्पल कलर यार। ये देखिए चम्मच के ऊपर आ रहा है तो आपको नजर आ रहा होगा जी। देखिए तो गाइस हमने मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद दोस्तों पानी के अंदर एक पुड़ी डालने पर भी इसका कलर डार्क हो गया काफी ज्यादा, बट कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। अभी हम ट्राई करेंगे दूध के अंदर, कि दूध के अंदर अगर हम डालते हैं ये पोटासियम परमैंगनेट तो रिएक्शन क्या रहता है। तो गाइस पहले मैं थोड़ा सा इसमें डालकर देखूंगा। ये देखिए थोड़ा सा ही इसमें डाला है पोटासियम परमैंगनेट, और अभी इसे करते हैं मिक्स। तो भाई यार अभी मैंने कुछ ही दाने इसके अंदर डाले हैं तो अपना जो दूध था उसका कलर कुछ मिट्टी के जैसा यार हो गया। इस प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार चाय हो उसके अंदर दूध थोड़ा सा कम डालते हैं तो उस प्रकार से कुछ कलर बन चुका है। तो अभी हमें डालना है इसके अंदर काफ़ी सारा पोटासियम परमैंगनेट। तो 3 पुड़िया मैंने दोस्तों इसके लिए खोली हुई है, तो 3 के 3 पुड़िया इसमें डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या नज़ारा हमें देखने में मिलता है। तो इन डिब्बियों को पहले मैं कर लेता हूँ साइड में, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन दोस्तों जरूर करेगा, कोई सा भी करे, तो इसके लिए मैं पहले इन्हें कर लेता हूँ साइड में। तो गाइस अभी मैं फटाफट से इसके अंदर सारी की सारी पोटासियम परमैंगनेट कर देता हूँ खाली। एक पुड़िया इसमें मैंने डाल दी, और अभी ये दूसरी पुड़िया भी मैं दोस्तों दूध के अंदर मैंने डाल दिया, और अभी एक बार मिक्स करके देखते हैं। तो गाइस अभी हमारा जो मिल्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अभी तीसरी पुड़ी है दोस्तों, इसे मैं इसके अंदर और डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तीनों के तीनों पुड़िया मैंने इसमें डाल दी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी दोस्तों इसमें से
मिल्क के अंदर दोस्तों डाल दें। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है यार हमारा दूध था। ओह गाइस ये देखिए यार मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिएक्शन होगा यार, कितना ज़्यादा खतरनाक। और अभी गाइस हमारा जो पानी वाला है उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और ये देखिए यार, और बहुत गंदी दोस्तों इसमें स्मेल भी आ रही है यार। गाइस ऐसा लगा मुझे अचानक दोस्तों, ऐसा लगा जिस प्रकार से किसी सांप के बिल में हाथ डाल दिया और वो अचानक से दोस्तों बाहर निकल गया, मुझे भी अचानक डर लग गया कि इसमें आखिर ये हो क्या गया यार। गाइस जी बाहर निकलने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहा है गाइस, देखिए तो गाइस ये देखिए यार, इस प्रकार से लग रहा है जिस प्रकार से काफ़ी सारी चाय फैली हुई हो। ये देखिए यार ये देखिए, अभी आपको इसमें भाप भी निकलती नजर आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा हीट है, और ये कुछ इस प्रकार का इसमें से पदार्थ बाहर निकला है गाइस, लग रहा है जिस प्रकार से सूखी हुई चाय पत्ती हो, सूखी हुई चाय पत्ती की तरह निकल रहा है। बट इसके अंदर गिलास में भी गाइस यही भरा हुआ है और कुछ भी नहीं, दूध का दोस्तों यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है कि इसके अंदर मिल्क था। तो देखा गाइस आपने दूध के अंदर पोटाशियम पर मैंगनेट डालने के बाद क्या होता है यार, ये देखिए। और इधर हमारा जो गिलास है वो है पानी वाला, तो इस गिलास के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हुआ यार, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ पानी का कलर है वो ही डार्क हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर दोस्तों हो चुका है। और इधर हमारा दूध वाला था वो काफ़ी ज़्यादा इसमें से हीट भी दोस्तों आ रही है, आप देखिए कितनी ज़्यादा इसमें से भाप निकलती हुई नज़र आ रही है। तो गाइस यार ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, आपने देखा कि पोटाशियम परमैंगनेट को जैसे हम दूध में डालते हैं तो क्या हाल करता है यार। दूध के अंदर ऐसा कौन सा तत्व मौजूद होता है जो पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करता है, इसके बारे में दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सोचा कि इन चीज़ों को मिला के देखा जाए, मुझे ऐसा था कुछ ना कुछ तो होगा, बट ऐसा होगा ये दोस्तों मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो गाइज आज का एक्सपेरिमेंट आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।